ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट आता है, व्हाट इज एक्ट ऑफ गॉड, इसको पहले समझ लेते हैं उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। देखिए एक्ट एक्ट ऑफ गॉड क्या है, जैसे हम लोगों ने देखा था ना ओ माय गॉड मूवी में, उसी तरीके का सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक्ट ऑफ गॉड के अंदर भी दिया गया है। एक्ट ऑफ गॉड को हम लोग विश मेजर भी बोलते हैं। देखिए एक्ट ऑफ गॉड में होता है जो हम लोग कहते हैं कि देयर इज समथिंग विच इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकरेंस हो जाता है, समथिंग देयर इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकरेंस ऑफ सर्कमस्टांसेज जो कि अनफोर्सीन है, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं और जिसको जिसके ऊपर कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, यानी वैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घटनाएं जो इंसान नहीं देख पाता है, और अगर देख भी पाता है तो उसको कंट्रोल करना इंसान के बस में नहीं है, तो वैसी घटनाओं को एक्ट ऑफ गॉड के तौर पर कहा जाता है। तो आप लिख सकते हैं एक्ट ऑफ गॉड इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकरेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकरेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस विच कुड नॉट हैव बीन, विच कुड नॉट हैव बीन फोरसीन और गार्डेड अगेंस्ट। ये जो घटनाएं होती हैं ये घटनाएं बेसिकली नेचुरल कारण से होती हैं, जिसको हम लोग प्राकृतिक आपदा भी बोल सकते हैं या नेचुरल कॉज होता है, ये ह्यूमन मेड कॉज नहीं होता। अगर ये ह्यूमन मेड कॉज हो जाएगा तब कुछ दूसरा हो जाए, ये तो नेचुरल कॉज होता है। तो आप लिख सकते हो सच सर्कमस्टांसेस इज ड्यू टू नेचुरल कॉज एंड विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, एंड विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। नाउ एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग इसको नोट कर सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। नाउ वी कैन राइट इट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ एक्ट ऑफ गॉड या विश मेजर, एक्ट ऑफ गॉड और विश मेजर, द हार्म जो हानि होगा, द हार्म कुड नॉट बी अवॉइडेड, द हार्म कुड नॉट बी अवॉइडेड बाई एनी अमाउंट ऑफ फोरसाइट और प्रूडेंस। फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वैक हो गया, इसी तरीके से ज्वालामुखी, वॉलकैनो, एक्सेप्शनली हैवी रेनफॉल, हैवी रेनफॉल, इसी तरीके से फ्लड, स्टॉर्म्स, STROM, स्टॉर्म्स, ETC किया जा सकता है। तो मुद्दा बड़ा सीधा है, कॉन्सेप्ट बहुत ही सीधा है। एक्ट ऑफ गॉड उस एक्टिविटी को कह सकते हैं, वो घटना है। एक्ट ऑफ गॉड इज नथिंग बट इट इज एन अकरेंस। और शॉर्टकट लिखना चाहते हो तो आप लिख लेना एक्ट ऑफ गॉड इज इक्वल टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकरेंस। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकरेंस की बात करता है एक्ट ऑफ गॉड। क्यों भाई? क्योंकि एक्ट ऑफ गॉड का मतलब ही होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकरेंस, ऐसी घटनाएं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, जिस पर ह्यूमन बीइंग का कोई कंट्रोल नहीं होता है। अगर पहली बात तो पता भी नहीं होता,
और अगर पता चल भी गया, अगर पता चल गया तो भी इन दैट कंडीशन ऑल्सो वी कैन नॉट कंक्लूड, वी कैन नॉट कंट्रोल ऑन दीज अकरेंसेस। तो उसके ऊपर हमारा कोई बस नहीं चल सकता है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं सीधा कि ये एक्ट ऑफ गॉड है। देखिए, एक्ट ऑफ गॉड को होने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। अगर हम लोग एसेंशियल के तौर पर देखें, ये बड़ा कॉमन सा एसेंशियल है। सो एसेंशियल्स ऑफ एक्ट ऑफ गॉड, एसेंशियल्स ऑफ एक्ट ऑफ गॉड, सबसे पहला एसेंशियल, देयर मस्ट बी वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्सेस। सो देयर मस्ट बी वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्सेस विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के नेचुरल फोर्सेस का काम करना, जहां आदमियों की वजह से नहीं, पर्सन की वजह से नहीं, किसी इंसान की वजह से नहीं, इंसानी ताकत का इंटरवेंशन नहीं होता, नेचर अपने आप करता है। अकरेंस मस्ट बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अकरेंस जो होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, विच वुड नॉट हैव बीन एंटिसिपेटेड, यानी वैसा जो कि एंटिसिपेट नहीं किया जा सकता है, जिसके बारे में कह रहा है कि वो हम लोग सोच ही नहीं सकते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो अगर ऐसा नहीं कुछ हो सकता है तब की बात हो रही है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो दो छोटी छोटी चीजें हैं, इसको बड़ा सिंपल तरीके से हम लोग बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। देखिए क्या है, देयर मस्ट बी वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्सेस विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। सो देयर मस्ट बी वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्सेस, इसको और शॉर्टकट करना है तो आप लिख सकते हो नेचुरल फोर्सेस की वजह से। और दूसरा यहां पर कहा गया है कि अकरेंस मस्ट बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और घटनाएं कैसी होनी चाहिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो सबसे पहली बात तो घटना होनी चाहिए, और वो घटना, घटना बोले तो अकरेंस होना चाहिए, और वो अकरेंस नेचुरल फोर्सेज की वजह से नहीं, कोई भी घटना तो होनी चाहिए, कोई घटना हो तो घटना हो गई, अकरेंस हो गया, अकरेंस नेचुरल फोर्सेज से होना चाहिए, और वो ऐसी वैसी घटना नहीं होनी चाहिए, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो पहली घटना और दूसरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो घटना और एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना, तो घटना कैसी होगी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगी, जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ होगा। उस तरह की अगर घटना घटती है तो उसको हम लोग यहां पर कह सकते हैं ये विस मेजर है, और यही एक्ट ऑफ गॉड है, यही एक्ट ऑफ गॉड है, और यही विस मेजर है। अब देखिए, मैं इसमें से आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करने वाला हूं। एक बंदा होता है जो लेक बनाता है, लेक मतलब समझ सकते हैं आप लोग तालाब अलग केस में, तो एक लेक बनाता है और वो आर्टिफिशियल लेक होता है, नेचुरल लेक नहीं होता, वो आर्टिफिशियल लेक होता है। नाउ जो आर्टिफिशियल लेक होता है उसके ऊपर उसने एक छोटा सा पुल भी बनाया होता है, एक ब्रिज भी बनाया हुआ होता है। नाउ उस आर्टिफिशियल लेक पर जो ब्रिज बनाया होता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक बहुत तेज बारिश की वजह से, बहुत भारी बारिश होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हेवी रेनफॉल होता है, इसको कहा गया उस जगह के लिए कि ह्यूमन मेमोरी के हिसाब से ऐसी बारिश कभी नहीं हुई थी। सो ह्यूमन मेमोरी के हिसाब से ऐसी बारिश कभी नहीं हुई थी, ऐसी बारिश जम के हुई, और उस बारिश की वजह से जो ब्रिज था वो ब्रिज बह जाता है,
नाव चूंकि वो ब्रिज बह जाता है इसीलिए प्लेंटिफ मुकदमा करता है। प्लेंटिफ मुकदमा करता है डिफेंडेंट के ऊपर और कहता है भाई तुमने लेक बनाया और तुम्हारे लेक की वजह से जो ह्यूमन एक्टिविटी से लेक बनाया तो तुम्हारे लेक की वजह से मेरा पुल टूट गया, मेरा ब्रिज टूट गया। नाउ तो डिफेंडेंट ने कोर्ट में बस सीधा सीधा यही कहा कि भाई मैंने कोई लेक तो बनाया बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने कोई बारिश तो नहीं बनाया, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हेवी रेन फॉल हुआ उसमें मेरा तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, उसको उस बारिश के लिए तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं, क्योंकि मैं उस बारिश के लिए उस हेवी रेनफॉल के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये तो पूरा का पूरा एक्ट ऑफ गॉड है, और अगर ये चूंकि एक्ट ऑफ गॉड है तो उस कंडीशन में फिर भाई मैं तो लाइबल नहीं होता। इसका मतलब एक्ट ऑफ गॉड के मामले में डिफेंडेंट की लाइबिलिटी शून्य होगी, जीरो होगी। तो अपने को क्या याद रखना है, पैसा देना है नहीं देना है, कॉम्पनसेशन देना है नहीं देना है, नहीं देना है, नहीं देना है तो क्या करना है, बोलो कि वॉलेंटाई नॉन फिट इंजूरिया, तुम्हारी मर्जी से हुआ, तुमने था दिया था कंसेंट, इसलिए वॉलेंटाई नॉन फिट इंजूरिया। अभी बोलते यहां जो इंजूरी हो गई, जो लॉस हो गया वो तुम्हारी वजह से हुआ, लेकिन कहता है डिफेंडेंट की ना मेरी वजह से नहीं हुआ भाई, वो मेरी वजह से नहीं हुआ, वो तो गॉड की वजह से हुआ, वो गॉड की वजह से हुआ। नाउ गॉड की वजह से हुआ तो गॉड की गलती के लिए या गॉड की वजह के लिए मैं कहां से रिस्पॉन्सिबल हूं, दिस इज एक्ट ऑफ गॉड, दिस इज बिस मेजर। ठीक है, तो बिस मेजर का एक केस है जो आपको लिख लेना चाहिए, निकोलस वर्सेज मार्शलैंड, NICHOLAS, निकोलस वर्सेज मार्शलैंड, निकोलस वर्सेज मार्शलैंड लिख लेना। इन दिस केस डिफेंडेंट क्रिएटेड some artificial lake on his land, there was extraordinary rainfall, और कहा गया कि heaviest rainfall इन ह्यूमन मेमोरी, वहां के लिए ह्यूमन मेमोरी के हिसाब से ऐसी कभी बारिश नहीं हुई थी, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ इट वाटर ओवरफ्लो कर गया, एंड वॉस्ड आउट द nearby bridge of the plaintiff held क्या हुआ? अब held इसमें से कोर्ट ने कहा held that defendant was not liable because the loss occurred due to act of God or vis major, act of God or इस मेजर। तो ये यहां तक का कॉन्सेप्ट है, जिनको भी उतारना है उतार लो, फिर आफ्टर दैट वी विल डिस्कस।
इन द केस ऑफ एक्ट ऑफ गॉड सिंपल दो ही बातें याद रखनी है। पहली बात तो एक घटना होनी चाहिए और दूसरी की वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए। आप ज्यादा याद रखना चाह सकते हो तो वहां लिख सकते हो याद करके कि जो घटना होती है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घटना होती है, ये किसी ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से नहीं होती है, किसी इंसान की गलती की वजह से नहीं होता, इंसान के किसी एक्ट से नहीं होता। ये सीधा अगर होता है तो वो ह्यूमन नेचर की वजह से होता है, सॉरी ह्यूमन नेचर कह रहा हूं, नेचर की वजह से होता है, यानी कि नेचर ही ऐसा एक्ट कर देती है, उस पर इंसान का कोई कंट्रोल नहीं होता है। और जहां पर इंसान का कोई कंट्रोल नहीं होता है और अगर उसमें कोई लॉस हो गई, इंजूरी हो गया प्लेंटिफ को, तो उसके लिए डिफेंडेंट लाइबल नहीं होता है।